पीछे जो आवाजें देख रहे हैं ये आवाजें हैं श्रीराम थोक सब्जी विक्रेता समिति डुमतराई रायपुर के बाहर की। ये सभी वर्तमान नगर के निवासी हैं और इनका कहना है कि यहाँ जो सब्जी मंडी संचालित है इसके कारण भारी परेशानियां हो रही हैं। क्या कुछ है हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सब्जी मंडी का गंदगी है, गंदगी को भी डाल देते हैं और इधर स्कूल बस आने जाने में बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। ये इसका पार्किंग के वजह से इतना भीड़ है इनका। मंडी परिसर इधर है, कॉलोनी इधर है, फिर कैसे ये क्लैश कैसे हो रहा है? ये प्राइवेट सब्जी मंडी संचालित है, इतनी बड़ी सब्जी मंडी है, इसकी पार्किंग की व्यवस्था क्या है? गवर्नमेंट आज तक क्या सोच करके मतलब ये इसको संचालित कर रही है? इतने बड़े कम से कम 1000 गाड़ियाँ लगभग डेली आती हैं छोटे बड़े मिला करके, वो गाड़ी पार्किंग कर लिए, कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और ये हाथ में क्या कागज है? ये हम लोग समस्या के लिए हम लोग कलेक्टर को, आयुक्त तो उसको, नगर निगम को, एसपी को, सभी को अवगत करा चुके हैं। उसी के कापी है रखा हूँ मैं अपने हाथ में। और ये सब्जी मंडी है, वही समस्या का पूरा जड़ है। यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, किस तरह की अड़चनों का उनको सामना करना पड़ता है, किस किस तरह की परेशानियों का आप सामना कर रही हैं। वर्तमान नगर का बोर्ड लगाया हमने, नो पार्किंग लगा के रखी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से उधर तक का रास्ता पूरा ब्लॉक रहता है। और वो गंदगी देखिए आप, ये टमाटर, ये सारा कचरा, ये सब्जी, ये सब फेंक कर जाते हैं, है ना। हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो क्या रास्ता पूरा बंद होता है, दूसरा हमेशा यहाँ पर बैठ के लोग यूरिन पास करते हैं या फिर खड़े वहाँ गाड़ियाँ लगा करके शराब सेवन करते हैं। इस अधिकारों की लड़ाई में तमाम जगह अपनी मांगे उठा रहे हैं वर्धमान नगर के निवासी और समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेमराज आवड़े के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।